साथ है मेरे सहयोगी अशरफ अली। में नाजरीन आइए चलते हैं ग्राम पंचायत जेबिया सादुल्लापुर में ब्लॉक मुंडा पांडे। यहाँ देखते हैं कि प्रधान द्वारा क्या क्या विकास कार्य करवाए जा चुके हैं। जैसा कि 4 साल यहाँ प्रधान के कार्यकाल को पूरे हो चुके हैं, आइए जानते हैं प्रधान जी की जबानी। चलते हैं प्रधान जी के पास। जी नमस्कार प्रधान जी, आपका नाम? नरेश कुमार, ग्राम प्रधान पति हूँ मैं। यहाँ 4 साल जो है कम्प्लीट हो चुके हैं आपके कार्यकाल को, क्या क्या विकास कार्य आपने गाँव में यहाँ दिए हैं? हमने 403 शौचालय बनवाए हैं और हैंडपंप भी रिवर कराए हैं और आवास मिले हैं यहाँ। आवास 14 आवास कराए हैं हमने। सीसी कार्य कितना आपने यहाँ करवा दिया? टाइल्स हमने करा दिया, काफी करा दिया है। रास्ते के नाम बताऊँ, एक तो है जूनियर हाई स्कूल से मुस्ताकिर तक, और मतलब लगभग 2000 मीटर के आसपास करवा दिया। ज्यादा करवा दिया 2000 मीटर से। यहाँ सरकार की जो योजनाएं चलती हैं, उज्ज्वला कनेक्शन, बिजली कनेक्शन, क्या इनका लाभ गाँव में सभी को मिल पाता है? किसानों के खातों में सम्मान निधि का पैसा मिल रहा है यहाँ पर? सरकार की योजना जो आयुष्मान कार्ड की है यहाँ, क्या उसका लाभ यहाँ किसी को मिला है? ले रहे हैं लोग, लाभ भी ले रहे हैं। आयुष्मान कार्ड भी हम लोग बने हुए हैं, राशन कार्ड वगैरह सब बने हुए हैं, कार्ड लगभग सही बन चुके हैं। स्कूल पर क्या क्या कार्य आपने करवाए हैं? स्कूल पर हमने सीसी टाइल कराई है, अंदर बाउंड्री वॉल कराई है और गेट लगवाए हैं, नल वगैरह लगवाए हैं, टॉयलेट सौंदर्यकरण करवाया है स्कूल का। क्या इससे कुछ बदलाव नजर आया इस साल या हर सत्र में आपको कुछ बदलाव नजर आया? बढ़ोतरी नजर आती है छात्रों की संख्या में? बहुत बड़ा इजाफा हुआ। शिक्षक समय पर आते हैं सभी? मिड डे मील जो है उसकी कोई कोताही तो उसमें नहीं होती है? मैं चेक करता हूं बार-बार जाकर। जी आप चेक करते हैं बीच बीच में। यहाँ सरकारी बिल्डिंग में स्कूल के अलावा क्या बारात घर है? बारात घर नहीं, पंचायत घर है, आंगनबाड़ी केंद्र, आंगनबाड़ी केंद्र, खेल का मैदान है, खेल का मैदान भी नहीं है, ऐसी एक मीटर पार्क का भी खेल, शमशान घाट, कब्रिस्तान, शमशान घाट हमने बनवाया, बाउंड्री वॉल वगैरह हो रखी है। हाँ। आपने बनवाया ग्राम समाज की जमीन पर बनवाया। अब अपने गांव को सुंदर और विकसित बनाने के लिए क्या समस्या आप यहाँ महसूस करते हैं जिसके लिए सरकार से आप मांग करना चाहेंगे? कुछ सरकार से यही मांग करना चाह रहे हैं, बारात घर हो, जो छोटे बड़े जैसे लोग हैं बेचारे, बारात के लिए पंचायत घर भी होना चाहिए, पंचायत घर भी होना चाहिए। क्या यहाँ कच्ची सड़कें अभी हैं जिसके लिए सीसी की आवश्यकता है? कच्ची सड़कें तो मैडम नहीं है, एक दो रास्ते हैं जो रह गए हैं, टाइल्स में बोल चुका है, खंजा तो है ही, और कोई समस्या यहाँ ऐसी है प्रमुख जिसमें आपको लगता है कि उसका समाधान सबसे पहले सरकार करे? जी कोई समस्या ऐसी गांव में प्रमुख आपको लगता है कि समाधान उसका सबसे पहले सरकार आपको? हाँ, एक हमारी थोड़ी समस्या है, हमारा जो सीसी रोड है उधर से हाईवे से हमारा वो मेन रास्ता खराब है। क्या वो PWD का रास्ता? जी PWD करा सकते हैं, जिला पंचायत वाले करा सकते हैं, वो लोग हमारा। तो वो रास्ता कहाँ से कहाँ तक आपका जाता है? वो गांव से जैतिया मोड़ से अंदर गांव में आता है, तो बाढ़ आती है तो वहाँ पर बहुत पानी भर जाता है। क्या ये बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है? जी। तो यहाँ पर जो नदी है वो उसके बाढ़ से आने का, यहाँ फिशिंग वगैरह का आपका कोई? फिशिंग वो उधर बनी हुई है, बनवाई है उधर, क्या नाम है, वहाँ से कटान जब होता है पानी आता है। जैसा कि आपने देखा हमने प्रधान जी से यहाँ बातचीत की है, काफी विकास उन्होंने यहाँ पर करवाया है, जैसे कि सीसी कार्य, स्कूल का सौंदर्यीकरण, पानी की टैंकी, दरवाजे, हैंडपंप वगैरह भी उन्होंने यहाँ लगवाए हैं, लोगों को आवास भी यहाँ पर उन्होंने दिलवाए हैं, और शौचालय से ये गांव पूरी तरह से ODF हो चुका है। लेकिन फिर भी कुछ समस्याएं मूलभूत यहाँ अभी आज की तारीख में भी बाकी हैं जिनसे लोग जूझ रहे हैं, जैसे कि कुछ सड़कें यहाँ अभी कच्ची हैं जिनके लिए सीसी की आवश्यकता है, और यहाँ पर सबसे जो मुख्य समस्या यहाँ बताई गई है, एक PWD का रोड है जिसका निर्माण वो यहाँ कराना चाहते हैं, इसके साथ ही यहाँ बारात घर और पंचायत घर को लेकर भी प्रधान मांग करते हैं। मैं नाजरीन टुडे 24 से। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम पप्पू सिंह है। कहाँ रहते हो? ग्राम जाति सादुल्लापुर। यहाँ जो विकास किए गए हैं प्रधान जी ने, जैसे कि बता रहे थे, क्या कहाँ तक सही है विकास? तो वैसे हमारे गाँव में सभी गाँव वैसे सही हो गए इस समय तो, पहले बहुत दिक्कत थी गाँव में, रास्ते बहुत बेकार थे, और अब तो पहले जो टॉयलेट बनी है, पहले लोग बाग बाहर जाते थे लेटरिन करने, अब तो गांव में बहुत बड़ी हिसाब किताब हो गए। 403 शौचालय बन गए हमारे गांव में, 14-15 आवासीय बन चुके, और जो रास्ता भी 20-25 रास्ता भी हो चुके हैं गाँव में।